अस्सलाम वालेकुम आवर यूट्यूब फैमिली। सो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं रियाजुल जन्ना। तो रियाजुल जन्ना जाने से पहले हम अपने होटल के बाहर का और जगह का आपको व्यू कराएंगे, फिर हम आपको स्ट्रीट्स दिखाएंगे जिनके थ्रू हम जाएंगे, फिर 310 नंबर गेट है उसके थ्रू हम अंदर एंटर होंगे, फिर पूरी वीडियो आपको अंदर तक दिखाएंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, एंड तक लाजमी देखें। सो देखने के बाद फीडबैक लाजमी दें, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर लाजमी करें। सो चलें चलते हैं वीडियो की जानिब। ये हमारे होटल की सड़क है और ये देखें इस टाइम वीराना मचा हुआ है। तो रात की मेरी टाइमिंग थी रियाजुल जन्ना की, तो ये देख सकते हैं आप इस टाइम बिल्कुल सन्नाटा मचा हुआ। अब मैं रियाजुल जन्ना के लिए जा रहा हूँ। ये रोड सीधी ही जाएँगे हम तो मस्जिद नबवी आ जाएगी। मस्जिद नबवी के अंदर जा कर मैं आपको दिखाऊँगा, बाकी आपको भी जाते हैं थोड़ा बहुत व्यू कराता हूँ। गाइस अब हम मस्जिद नबवी के दरवाजे के पास जाने वाले हैं। ये इसके इर्द गिर्द ये रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है और ये सिटी सीनिंग बस है, एक डबल कैरिंग इसके ऊपर भी बैठ सकते हैं रूफ पे। ये उसका स्टॉप है और ये आप व्यू देख सकते हैं रात के 2:05 का मदीने का मस्जिद नबवी का। वो सामने एक अरबी जा रहा है, देखें यार भी। और ये सामने कुछ लिखा हुआ है, इधर देख लें। अब ये शाइना मेरे साथ ही जा रही है। ये छतरियाँ इस टाइम खुली ही हैं। बाकी आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। तो गाइस ये एंट्रेंस आ गई है, 310 नंबर गेट है जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। टाइम इस टाइम जोन सा हुआ है 2:10 हो चुके हैं। मेरी 2:30 की अपॉइंटमेंट है, 2:30 से ले कर 3 बजे तक, 2:30 पर मैंने एंटर होना है, तो इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। वो जो आगे जा रही है फैमिली, वो उन्होंने अपने बच्चों की भी अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो इस टाइम ऐसा जितना रश तो नहीं है इधर। बहरहाल बहुत सुकून दे जगह है, नबी की मस्जिद है और सुकून ना मिले ये कैसे पॉसिबल है। वो देखें आप सब्ज गुंबद के नज़ारे, ये देखें। बाकी हम आपको रियाजुल जन्ना के बाहर जाके दिखाएंगे। तो गाइस अब मैं रियाजुल जन्ना की जानिब जा रहा हूँ। ये एंट्री का रास्ता, पीछे लाइन बहुत लंबी लगी थी, तो वहाँ चेक करा के नुस्खे एप्लीकेशन के थ्रू एक्टिव स्टेटस, तो फिर अंदर आया।
तो गाइस यहाँ से फिर हम आगे गए थे, आगे बैरियर पड़े हैं, इनके पीछे सफ़े पड़ी थी, उन पर उन्होंने थोड़ी देर हमें वेट करवाया था, फिर हम यहाँ से अंदर एंटर हो गए थे। ये देखें रश कितना ज़्यादा, अवाम आप चेक करें किस तरह जा रही है, रश की तरह आगे आगे भी रश इसी तरह होगा। तो अभी हम यहाँ पे देखें सारे जमजम की बोतल ले रहे हैं, यहाँ से मैं भी पकड़ूंगा, फिर आगे जाके नफल पढ़ूंगा दो। यहाँ पे आपको 30 से 35 मिनट सुकून से टाइम मिल जाता है। उसके अंदर फिर मैंने इधर वीडियोस बनाई थी, फिर जौन सा साइड का व्यू दिखाया था, फिर रोज़ा रसूल की वीडियो बनाई थी, वो सारी आपको एंड तक दिखाएंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इधर एंटर होने के बाद जो दिली सुकून और रूहानी सुकून मिला है वो बयान नहीं कर सकता मैं अपने वर्ड्स में। ये देखें सारों ने नफल शुरू कर दी, अब मैं भी यहाँ पढ़ूंगा, उसके बाद यहाँ से वीडियो दिखाऊंगा आपको। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से सारे नफल पढ़ रहे हैं, ये पूरा यहाँ का व्यू। तो गाइस आप ये देख सकते हैं रोज़ा रसूल की जातियाँ, और फिर ये आ गया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक की जातियाँ। तो इसी तरह आ गए जाली की, मैं पूरी वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये बैरियर था नीचे और ये आगे हमें जाने नहीं दे रहे थे, इन्होंने हमें यहाँ से मना किया हुआ था, क्योंकि उनका भी कुछ हद तक ठीक है, यहाँ पे लोग जो है ना बेअदबी करते हैं, चूमने लग जाते हैं अंदर, हाथ फेरने लग जाते हैं, नाम वगैरह लिखते हैं, इस वजह से उन्होंने ना इधर जाने से रोका हुआ था, रिस्ट्रिक्शन लगाई थी हमारे लिए। तो फिर यहाँ से हम बाहर निकले थे, ये बड़ी सेल्फियाँ ले रहा था, इसकी वजह से ना मुझे बहुत वीडियो बनाने में ना मसले मसाइल पेश आए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, तो यहीं पे हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करें। तो अल्लाह हाफिज़।